नमस्कार, वेब दुनिया खेल समाचारों में आपका स्वागत है। यूएई के खिलाफ मैच में दिखेगा रोहित का धमाल। विश्व कप में भारत का अगला मुकाबला यूएई से होने जा रहा है। टूर्नामेंट में यूएई ने अभी तक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और उनके इस जोशीले खेल को देखने के बाद इतना तो तय है कि भारतीय टीम उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। भारत के बल्लेबाजों ने विश्व कप के पहले दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत का मध्य क्रम इस बार को ज्यादा ही मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अभी तक कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में भारत की उम्मीदें रोहित शर्मा पर होंगी कि वह इस मैच में अपनी लय हासिल कर विश्व कप के बाकी मैचों में जोरदार प्रदर्शन कर सकें। वैसे रोहित शर्मा पिछले मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में वे अपने बल्ले से कमाल दिखाने के लिए जरूर आतुर होंगे। साथ ही भारतीय बल्लेबाजों को स्लॉग ओवरों में भी लगातार गिरने वाले विकेटों के पतझड़ से उबरने की जरूरत है। भारत यह जानता है कि उसे दो मैच न्यूजीलैंड में खेलने हैं, जहां गेंद हवा में न केवल ज्यादा मूव करेगी बल्कि पिच से भी उसे मूवमेंट में सहायता मिलेगी। वहां बारिश के अंदेशे के चलते टीम इंडिया को अंक भी बांटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसे में भारत को अपना हर मैच बड़े से बड़े अंतर के साथ जीतकर विपक्षी टीमों को कड़ा संदेश पहुंचाने की जरूरत है। भारत के प्रत्येक मैच के बीच लंबा गैप होने की वजह से खिलाड़ियों के लिए मैदान पर उतरते ही सीधे लय हासिल कर लेना भी एक चुनौती है। ऐसे में किसी भी बदलाव की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। यूएई की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी उपमहाद्वीप से हैं। उपमहाद्वीप के ये खिलाड़ी यूएई में जाकर बस गए हैं। उनकी बल्लेबाजी तो मजबूत नजर आती है, लेकिन गेंदबाजी में अनुभव और बड़े स्तर पर खेलने की कमी भी साफ जाहिर होती है। कप्तान भी सही क्षेत्र रक्षण लगा पाने में संघर्ष करते नजर आए।